हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। दोस्तों, ये इंटर एडमिशन 2020 से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, जो आपका सेशन 20-22 है। तो इसमें आपको बताया जाएगा जो आप लोग OFSS के द्वारा फॉर्म अप्लाई किए थे उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, आपको इस मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस कब होगा, कब तक आप एडमिशन करवा सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एडमिशन किस कॉलेज में हुआ है, इस सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो में कमेंट करना भी ना भूलेगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको जानकारी मिलती है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी होगी। तो जैसा कि अगर आप आज का पेपर देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि आपकी जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट बिहार बोर्ड के द्वारा 4 अगस्त को जारी की जाएगी। आप जो परफॉर्मेंस यूज किए थे, आपके परसेंटेज के अनुसार, आपके कॉलेज के नाम के अनुसार जिसने आपने फॉर्म फिलअप करते समय भरा था, उसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट 4 अगस्त को जारी की जाएगी। जैसा कि कल तक आपका फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट था, तो आज बिहार बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है कि आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट 4 अगस्त को जारी की जाएगी OFSS के द्वारा। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि लिस्ट जारी होने के बाद आप कहां से चेक करेंगे कि आपका सिलेक्शन किस कॉलेज में हुआ है। ये सभी के माइंड में ये क्वेश्चन रहता होगा कि लिस्ट जारी होने के बाद हम कहां से चेक करेंगे कि हमारा सिलेक्शन किस कॉलेज में हुआ है। तो बिहार बोर्ड आपको 2 ऑप्शन देता है ये लिस्ट जानने के लिए। पहला, आप चेक कर सकते हैं OFS बिहार में अपने पोर्टल को खोल के, मतलब जो बिहार बोर्ड का वेबसाइट जहां से आप अप्लाई किए थे उसमें आप मोबाइल नंबर और आपको एक पासवर्ड मिला होगा, जो पासवर्ड डाल के आप वहां से चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन किस कॉलेज में हुआ है। और वहां आपका एक प्रोस्पेक्टस जारी होगा जो आपको प्रिंट करके आपको आपके स्कूल में लगाना होगा, तो यहां से भी चेक कर सकते हैं। आप जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किए होंगे उस मोबाइल नंबर पर भी आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन किस कॉलेज में हुआ है और कॉलेज का कोड क्या है। तो आपके सामने 2 ऑप्शन है चेक करने का। अगर आपको इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका पूर्णतः सॉल्यूशन दूंगा। अब आपके सामने आता है कब से कब तक आपका एडमिशन होगा। तो आप अपना इंटर का एडमिशन मेरिट लिस्ट जारी जो होगा 4 अगस्त को, उसके बाद आप कब से कब तक आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो जस्ट दोस्तों, मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आप जो है आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो आपका एडमिशन जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज में जाकर आप लोग 4 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। कब तक? 4 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक, मतलब मेरिट लिस्ट जिस दिन जारी होगा उस दिन से लेकर 9 अगस्त तक आप अपना एडमिशन जाकर कॉलेज में करवा सकते हैं। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना होगी, आपका जिस कॉलेज में सिलेक्शन होता है आप उसी कॉलेज में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है और उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं करवाना है तो आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए तक वेट करना होगा और अपने परफॉर्मेंस को चेंज करना होगा सेकेंड मेरिट लिस्ट तक के लिए। तो 4 अगस्त से 9 अगस्त तक आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसका सॉल्यूशन मिल सके। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आपको जारी होगा, मेरिट लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे इसके ऊपर भी मैं आपका एक वीडियो लेके आऊंगा। तो हमारे चैनल पर आप बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके एडमिशन से रिलेटेड मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।